लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कितनी हो सकती है सजा और जुर्माना, क्या है धारा 188। देश के 22 राज्यों में लॉकडाउन है। अभी तक इंडिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। अब तक इससे 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन वाले जिलों में धारा 144 और धारा 188 लागू है। इस आदेश के साथ यह भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि पुलिस और जिले के अधिकारी इलाकों में गश्त करेंगे और यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाएगी तो उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। 144 का मतलब ये नहीं है कि कर्फ्यू एहतियातन आम जगहों पर लोगों को एक साथ हुजूम करने की आवश्यकता नहीं है और सब लोग एक दूरी बना करके अपने कार्यों को करें। आज कई जिलों में, कई जिलों से बात हुई है, सब लोग अपने अपने तरीके से काफ़ी मुस्तैदी के साथ लोग तैयार हैं और हम सभी लोगों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि कोई भी नागरिक हो इस राज्य का, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हो या उनके पास व्यवस्थाएं ना हो तो वो सरकार से आग्रह करें और उनके लिए सरकार जो भी इस संक्रमण से संबंधित विषय है वो उसके साथ उसको हर संभव मदद पहुंचाए। क्या होती है आईपीसी की धारा 188? क्यों है ये महत्वपूर्ण और क्या हो सकती है सजा? भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा दिए गए किसी आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई इसकी अवमानना करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी। सभी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। वैसे इस सेक्शन के तहत 1 माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं। यह जुर्माना 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकती है। 6 महीने की सजा तब बनती है जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए खतरा का या दंगा का कारण बनती है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।